वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबों का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का आज सुबह करीब 3 बजे निधन हो गया। दिव्या पिछले दिनों कोरोना वायरस का शिकार हो गई थी, जिसके बाद उन्हें गोरेगांव के SRV अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। फिर उन्हें निमोनिया हो गया, उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था, जिस वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। वेंटिलेटर पर कई दिनों जिंदगी और मौत के बीच जंग लग रही 34 वर्षीय दिव्या आखिरकार जिंदगी की जंग हार गई। अभिनेत्री देवीलीना भट्टाचार्य और शिल्पा शिरोडकर ने सोशल मीडिया पर दिव्या को श्रद्धांजलि भी दी। देवीलीना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, जब कोई किसी के साथ नहीं होता था तो बस तू ही होती थी दिव्यू, तू ही मेरी अपनी थी और जिसे डांस सकती थी, रूठ सकती थी, दिल की बातें कर सकती थी। दिव्या भटनागर का आज निधन हो गया, वह हमारे बीच नहीं रही। दिव्या भटनागर के पास 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उनके पास 5 लग्जरी कारें हैं। उनकी फैमिली मेंबर में माता पिता, 2 बहनें और 1 भाई है। उनका हस्बैंड गगनप्रीत है, उनके पास भी 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है। दोनों ने लव मैरिज किया था, कुछ दिनों से दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।